वेलकम बैक टू आवर चैनल त्रिपति एकेडमी। तो फाइनल के बच्चों जैक दिल्ली का फोर्थ राउंड का भी सीट का रिजल्ट आ चुका है। अब ऐसे में बच्चों के मन में डाउट आ रहा है कि सर इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद स्पॉट ऑन कब होगा, स्पॉट ऑन का शेड्यूल क्या चलने वाला है, कैसे स्पॉट ऑन होगा। इस बार स्पॉट ऑन से पहले भी आप लोग का एक राउंड होने वाला है जिसका नाम जो है वो इंटरनल अपग्रेडेशन राउंड होगा। उसमें क्या होगा, कौन कौन से स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सारी बातें इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। काफी टाइम से जैक दिल्ली की रिगार्डिंग वीडियो नहीं आया है, बट क्योंकि आप लोगों के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था उसके रिगार्डिंग सारी वीडियो पहले ही डाल दिया गया था, ठीक है। बट ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में राउंड फोर्थ के बाद से लेकर कि आप लोगों का फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज तक के, यानी कि बीच में स्पॉट ऑन इंटरनल अपग्रेडेशन राउंड के रिगार्डिंग टोटल बातें करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद जाकर के आपके मन में जितने भी डाउट आ रहा है सब क्लियर हो जाएगा। जैसे कि सर हमें स्पॉट ऑन अगर जाएंगे, कोई सीट मिला हुआ है तो क्या उसे छोड़ना है, सारी बातें हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। सो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, तभी आप लोगों का बेनिफिट होगा, वरना आधी अधूरी जानकारी जो है वो इंसान को काफी नुकसान दे देता है, ठीक है। साथ में जाकर अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो या फिर चैनल को रेगुलर वीडियो देखते रहते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो ये आप लोगों की बहुत गलत बात है क्योंकि बेसिकली सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइब जो है काफी मोटिवेट करता है, ठीक है बच्चों। तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब बिना टाइम वेस्ट के हम लोग बात कर लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहली बात तो ये कि राउंड फोर का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ चुका है। होप सो कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच आप लोगों को मिल गया होगा, मिल ही गया होगा अगर आप लोगों का चॉइस जो है वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में था, ठीक है ना। तो आप देखो सीट अलॉटमेंट होने के बाद जाकर के कुछ प्रोसेस आप लोगों को करना होता है जो कि हर एक वीडियो में मैंने बता रखा है। आप में से मोस्ट स्टूडेंट को पता भी होगा, तब भी शॉर्ट में बता देते हैं, ठीक है। तो आप में से ऐसे स्टूडेंट जिनको फर्स्ट टाइम सीट मिला हुआ है उन्हें जो है वो सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना है जो कि 95,000 रुपीज है। ऑनलाइन ही आप लोग को पे करना है, लॉग इन करके पोर्टल में ही ऑप्शन आएगा, कैसे भी करके आप लोग पे कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, किसी भी मेथड के थ्रू आप लोग पे कर सकते हो, ठीक है। ये पे कर लेना, ये उन्हीं को पे करना है जिनको फर्स्ट टाइम सीट मिला हुआ है, जिनका फर्दर अपग्रेडेशन हुआ है उनको पे नहीं करना है, ठीक है बच्चों। अब ये पे करने के बाद जाकर के आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए फिजिकली जाना होगा, ऑफलाइन जाना होगा, कहां पे जाना होगा, जहां पे आप लोगों को सीट मिला हुआ है, ठीक है ना। टाइमिंग क्या होगा, मॉर्निंग में 10 AM से लेकर इवनिंग में 4 PM तक का दे रखा है, ठीक है ना। अब देखो अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट को जो है वो अलग अलग डेट पे जाना है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, बेसिकली आप में से ऐसे स्टूडेंट जो कि दिल्ली रीजन से हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी के हों, ठीक है ना, जनरल, EWS, OBC, SC, ST, उन सभी को रिपोर्टिंग जो करनी है वो 27 अक्टूबर को करनी है। कहाँ करनी है, जहाँ आप लोगों को सीट मिला हुआ है, ठीक है, एक बार पहले बता दिया गया है। और साथ में जाकर के ऐसे स्टूडेंट जो कि आउटसाइड दिल्ली से हैं, हर एक कैटेगरी इंक्लूडेड, ठीक है, उन सभी को 28 अक्टूबर को रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है ना। ये पॉइंट क्लियर हो गया, अगर रिपोर्टिंग नहीं करोगे तो आप लोगों की सीट को कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो रिपोर्टिंग करवा लोगे, डॉक्यूमेंट आप लोगों का सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा, इसके बाद जाकर के आपके पोर्टल में विलिंगनेस सबमिट करने का ऑप्शन आएगा, यानी कि फ्रीज या फ्लोट करने का आएगा, ठीक है। बिल्कुल बच्चों अभी भी आप लोगों के पोर्टल में फ्रीज और फ्लोट दोनों ही ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो फ्रीज उन्हीं को करना है जिनको फेवरेट सीट मिल चुका है और उन्हें जो है फर्दर राउंड में अपग्रेडेशन के लिए नहीं जाना, ठीक है। तो फ्रीज कर लेना, बाकी बच्चे भी फ्लोट करना, क्योंकि फ्लोट का मतलब तो आप लोगों को पता ही है कि आप लोग फर्दर राउंड में जा रहे हो, और अगर आप लोगों को नया सीट नहीं मिलेगा तो पहले रिटर्न रहेगा, अगर नया मिलेगा तो आप लोगों का अपग्रेड हो जाएगा, पहले वाला सीट चला जाएगा, ठीक है ना। तो इतना कर लेना है, इतना करने के बाद जाकर के अब आप लोग विड्रॉ नहीं ले सकते हो, क्योंकि विड्रॉ का जो लास्ट डेट था वो 20 अक्टूबर था। अगर आप विड्रॉ लेते हो तो आप लोग का एक भी रुपए रिफंड नहीं किया जाएगा। और आई थिंक आप में से मोस्टली स्टूडेंट आप सीरियस ही होंगे, जितने भी स्टूडेंट बचे होंगे सब एडमिशन ही लेना चाहते होंगे ना। बेसिकली अगर कोई स्टूडेंट है जो कि विड्रॉ लेना चाहता है तो आप लोगों को पैसा रिफंड नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। ये पॉइंट क्लियर हो गया है। अब देखो इसके बाद जाकर के आप लोगों का स्पॉट ऑन से पहले एक राउंड होने वाला है जिसका नाम है इंटरनल अपग्रेडेशन राउंड है, जो कि फोर्थ राउंड के बाद होगा, ठीक है ना। अब सवाल आता है कि इसमें क्या होता है, तो इसमें ये होता है कि जितने भी इंस्टीट्यूट है उसमें जितने भी टॉप के ब्रांचेस में जो सीट वैकेंट होगा उसमें बच्चों को अपग्रेड किया जाता है। एग्जांपल के तौर पे DTU है, ठीक है, तो DTU में ऊपर के ब्रांचेस में जितने भी नंबर ऑफ सीट वैकेंट है नीचे ब्रांचेस वाले स्टूडेंट को अपग्रेड किया जाता है, ठीक है ना। अब ऊपर के ब्रांचेस का मतलब ये नहीं कि CSCIT की बात की जा रही है, आप लोग को जो भी ब्रांच मिला हुआ है, मान लो एक स्टूडेंट को जो है वो ICU ब्रांच मिला हुआ है, ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग मिला हुआ है, तो उसके लिए ऊपर के ब्रांचेस कौन से होंगे, हमारे सारे हो जाएंगे, CSIT, ECE, इलेक्ट्रिकल सब हो जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से, ठीक है, तो बेसिकली बात यह है कि इंटरनल अपग्रेडेशन राउंड में आप लोगों का क्या होगा कि जो भी सीट आप लोगों को मिला हुआ है जिस भी ब्रांच में, उससे ऊपर वाले ब्रांचेस में अगर जो है वैकेंसी रहेगी सीट तो आप लोग को अपग्रेड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली यही होता है, इसी तरीके से करवाया जाता है कि फोर्थ राउंड तक में हो गया इंटरनल अपग्रेडेशन राउंड के थ्रू जो है ऊपर के ब्रांचेस में जितने भी नंबर ऑफ सीट वैकेंट होती है उसे फिल कर लिया जाता है, उसके बाद जाकर के लोअर ब्रांचेस में जितने भी नंबर ऑफ सीट वैकेंट बचती है उस पर एडमिशन जो है वो स्पॉट ऑन में होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली ऐसा भी नहीं है कि स्पॉट ऑन में आप लोगों का अच्छे ब्रांचेस में सीट वैकेंट नहीं रहती, ऐसा भी नहीं होता है, रहती है। लास्ट ईयर जो है वो NSUT में IT ब्रांच ही वैकेंट थी, हमारे ही एक स्टूडेंट का अलॉट भी हुआ था स्पॉट ऑन में, ठीक है ना। तो इस तरीके से है कि आप लोगों का जो है यहाँ पे डिस्प्ले ऑफ अपग्रेडेड लिस्ट ऑफ एडमिटेड कैंडिडेट बिफोर स्पॉट ऑन 31 अक्टूबर को आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आप लोग को 31 अक्टूबर को ये पता चल जाएगा कि आपको जो भी सीट मिला हुआ था फोर्थ राउंड में उससे ऊपर में आप लोग का अपग्रेड हुआ है या नहीं हुआ है,
हुआ है तो कौन से ब्रांच में हुआ है, ठीक है ना। ये जो लिस्ट आएगी वो 31 अक्टूबर को आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जाके अगेन आप लोग के पोर्टल में विलिंगनेस सबमिट करने का ऑप्शन आएगा, यानी कि फ्रीज या फ्लोट कर सकते हो। इसे फ्रीज उन्हीं को करना है जिनको फेवरेट मिल चुका होगा, आप लोग फिर से फर्दर फ्लोट करके आप लोग आगे के राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये सब करने का भी जो डेट दे रखा है वो 31 अक्टूबर के रात के 11:59 PM तक का दे रखा है, ठीक है। अब इतना होने के बाद जाके बच्चों आप लोग का स्पॉट ऑन होगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ कि स्पॉट ऑन सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स, ठीक है। तो जितने भी नवा सीट वैकेंट होता है उसी के लिए स्पॉट ऑन करना करवाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिस्प्ले ऑफ अवेलेबल वैकेंसी जो है वो 1 नवंबर को आफ्टरनून में 3 PM के बाद आ जाएगा। बेसिकली इसका कहने का मतलब ये है कि 1 नवंबर को आप लोग को ये पता चल जाएगा स्पॉट ऑन में किस इंस्टीट्यूट में किस ब्रांच में कितने नंबर ऑफ सीट वैकेंट है, ठीक है ना। DTU में किस ब्रांच में कितना वैकेंट है, इस तरीके से आप लोगों को सारी चीज पता चल जाएगा। एंड देन जाके आप लोगों का जो स्पॉट ऑन होगा वो फिजिकली होगा, यानी कि आप लोगों का ऑफलाइन मोड में यहाँ पे स्पॉट ऑन होता है, जो कि डेट दे रखा है 2 नवंबर से लेकर 4 नवंबर के बीच में, ठीक है ना। तो इसमें आप लोगों को क्या करना होगा, तो इसमें आप लोगों को ये करना होगा कि आप लोगों को किसी भी एक इंस्टीट्यूट में चले जाना है, चाहे DTU हो गया, NSUT हो गया, DSU हो गया, TIBRT दिल्ली हो गया, IGTW हो गया, किसी में भी आप लोगों को चले जाना है। और वहां पे जाने के बाद जाके बच्चों आप लोगों का ऑफलाइन मोड में ही जो है वो स्पॉट ऑन कंडक्ट करवाया जाता है। बेसिकली होता क्या कि वहां जाओगे, वहां पे आप लोगों को बैठना है, वेट करना है, और रैंक वाइज वो अनाउंस करते हैं, वो सारी चीज आप लोगों का ऑफलाइन मोड में हो जाएगा, आराम से कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोगों को जाना है और आप लोग का ऑफलाइन मोड में स्पॉट ऑन हो जाता है, ठीक है। और अगेंस्ट जो कहा गया है कि आप लोग जो है वो फ्लोट करके स्पॉट ऑन में भी जा सकते हो। स्पॉट ऑन में जाने के लिए आप लोग को पहले वाला सीट नहीं छोड़ना होता है, आप लोग फ्लोट करके स्पॉट ऑन तक में जा सकते हो। अगर स्पॉट ऑन में कुछ बढ़िया मिलेगा तो आप लोगों का जो अपग्रेड हो जाएगा, नहीं तो पहले वाला सीट आप लोग का रिटर्न लेगा, ठीक है। और अगर अपग्रेड हो जाएगा तो पहले सीट आप लोग का कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब देखो स्पॉट ऑन में जो सीट मिलेगा वो अच्छा होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है, आप लोग जाओगे वहां पे फिजिकली, ठीक है, अनाउंस किया जाएगा। अगर वो सीट आप लोग को अच्छा लग रहा है तो आप लोग उसमें एडमिशन लोगे, नहीं तो छोड़ दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा, तो परेशान नहीं होना है। तो फिजिकल स्पॉट ऑन जो है वो 2 नवंबर से लेकर 4 नवंबर के बीच में हो जाएगा। अच्छा देखो एक और बात भी है कि आप लोग का जो स्पॉट ऑन होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा, फिजिकल मोड में होगा, लेकिन आप लोग का जो सीट अलॉटमेंट का जो रिजल्ट आता है वो आप लोग का ऑनलाइन मोड में भी आता है, ठीक है, यानी कि पोर्टल में भी शो हो जाता है, और जो आप लोग को वहां पे पता चल ही जाता है लेकिन आप लोग को पोर्टल में भी शो हो जाता है, ठीक है। सो इसके बाद जाके यहां तक होने के बाद जाके जितने भी स्टूडेंट को जो भी सीट मिला होगा उन सभी को रिमेनिंग फी पे करना होता है। उसके लिए आप लोग को रिपोर्टिंग करनी होगी फाइनल एडमिशन के लिए, और आप लोग का वहां पे एडमिशन प्रोसेस होने के बाद जाकर के कॉलेज का जो भी फीस होगा उसमें से 95,000 जो कि आप लोग ऑलरेडी पे कर चुके होंगे उसे माइनस करके बाकी रिमेनिंग फी पे करना होगा। उसके लिए डेट अभी नहीं दे रखा है, कह रहे हैं कि वेबसाइट को आप लोगों को रेगुलर चेकआउट करते रहना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग का स्पॉट ऑन भी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जाके फर्दर आप लोग का स्पेशल स्पॉट ऑन भी कंडक्ट करवाया जा सकता है अगर नंबर ऑफ सीट वैकेंट बचती है तो, ठीक है ना। बाकी नीचे जो है वेन्यू दे रखा है, ठीक है ना, DTU NSUT कौन कहां पे है, लोकेशन दे रखा है, इस तरीके से आप लोग जा सकते हो, ठीक है। तो सारा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद भी अगर कोई डाउट है कि मैं उसे बता देना, चैनल फर्स्ट टाइम आया हो सब्सक्राइब कर लेना, काफी इन्फॉर्मेटिव ये चैनल आप लोग के लिए, काफी सारे काउंसलिंग यहाँ पे करवाया जाता है, JEE सबकी प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। सो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, इस वीडियो को अपने फ्रेंड में जरूर शेयर करना ताकि उसको भी सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके जैक दिल्ली के स्पॉट ऑन के रिगार्डिंग, ठीक है। और लास्ट में आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि स्पॉट ऑन में फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ये मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से ही कहते हुए आया था। स्पॉट ऑन में वही स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो कि स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन किए हुए थे, आइदर फर्स्ट राउंड से पहले या फिर हमारा थर्ड राउंड में, ठीक है। तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं होने वाला है, ठीक है ना। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि वीडियो को अपने फ्रेंड में जरूर शेयर करना, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस टेक केयर, हैव अ गुड डे, जय हिंद जय।